हेलो गाइस, इट्स अभिजीत हेयर एंड वेलकम बैक टू फुल टाइम विसल। और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं रिड्डीविल ब्रो और प्रथम ब्रो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मैच हुआ था बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच, उसी मैच के ऊपर एक पोस्ट मैच रिएक्शन वीडियो लाए हैं। होप गाइस आपको अच्छा लगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैच हुआ था बार्सिलोना वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, ये मैच सबको पता है कि 2-2 के स्कोर लाइन से ड्रॉ हो गया था। और इस मैच में, मतलब इस मैच को कैसे डिस्क्राइब करूं वो मैं सोच रहा हूँ। मतलब सुपर हिट फिल्म होने के लिए जो जो चीज चाहिए, जैसे जैसे एक्शन था, थ्रिलर था, मतलब सस्पेंस था, टेंशन था, सब कुछ था इस मैच में। मतलब सुपर्ब गेम था ये, और टेंशन का मतलब कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड था। वो तो सबको पता है कि टेंशन का कारण कौन था। उन लोगों ने अटैक दिया, हम लोगों ने री अटैक दिया। मैं एज अ न्यूट्रल फैन, पैसा वसूल मैच था। और मतलब दोनों ही टीम ऐसा खेल रही थी, लग रहा था कि यही फर्स्ट लेग है और यही सेकंड लेग है। दोनों ही टीम अपने ओपोनेंट को 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेगी, ऐसा लग रहा था। मतलब पैसा वसूल मैच था। तो चलिए अब मैच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रथम रो पहले आपसे शुरू करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि स्कोर लाइन क्या है, तो पहले हम लोग लाइनअप से शुरू करते हैं। तो प्रथम ब्रो आप बताइए, बार्सिलोना का लाइनअप देख के आपको क्या लगा था लाइनअप में? मैं बार्सिलोना का हर एक गेम फॉलो करता हूँ, तो बार्सिलोना का बैकलाइन तो मेरे को पता नहीं था, या फिर मेरे को लगा नहीं था बार्सिलोना चेंज होगी बैकलाइन, क्योंकि मैं चाहता था, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता था क्रिस्टियनसन खेले कल का मैच, स्टार्ट करे। उसके जगह कोच ने ऑलोंसो को रख दिया। कोच का कुछ दिमाग में आया होगा, इसीलिए ऑलोंसो को रखा होगा। लेकिन हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि क्रिस्टियनसन अगर होता ना तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलोंसो थोड़ा एक स्लॉथ है, कुछ स्लॉथ है जो विद क्रिस्टियनसन दे सकता है। वो विद मार्कस ऑलोंसो कुछ जगह जगह छूट गया उनसे। और उसके अलावा जॉर्डी आलवा कल खेले थे बाल्डे की जगह। जॉर्डी आलवा ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उन्होंने वान बिसाका को पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया था पूरे मैच में, पूरा अप एंड डाउन करके खेले जॉर्डी आलवा। उसके अलावा तो पूरा टीम तो एक ही था जो लास्ट मैच खेली थी, और इंजियर्ड तो है ही या टीम में। ओवरऑल अगर देखे तो आउट ऑफ 10 बार्सिलोना का स्क्वाड कल 8.59 का रेटिंग से खेला है बार्सिलोना का टीम। तो चलिए अब मैनचेस्टर यूनाइटेड और रेड डेविल की तरफ बढ़ते हैं। तो रेड डेविल ब्रो, जब आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब लाइनअप देखा था इस मैच के लिए, तो आपको क्या लगा था? देखो, ये हमारी फर्स्ट टीम तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड थे, फिर सस्पेंस भी थे दो प्लेयर, मार्सेल सबिचसर और लिसांड्रो मार्टिनेज। तो ये हमारी फर्स्ट 11 नहीं थी। लाइनअप देख के फर्स्ट 11 और कुछ सस्पेंशन के कारण जो लाइनअप टेनहाग ने उतारा था वो मेरे हिसाब से सही था। बस एक ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा था कि शायद डिएगो डेलो एरन वेनबिसाका की जगह खेल सकते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि एरन वेनबिसाका वन ऑन वन में बहुत अच्छे डिफेंडर है, लेकिन उनका पोजिशनल प्ले और जो अपने मार्क मार्क करना प्लेयर को, वो बहुत ही पुअर है वान-बिसाका का, जिससे कल के जो मैच में फर्स्ट हाफ था उसमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो बस मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम था कि डिएगो डेलो स्टार्ट करने चाहिए थे एरन वान-बिसाका की जगह। बाकी उसको अगर छोड़ दे तो जो इंजरी थी और सस्पेंशन थी उस हिसाब से ये टीम टेन हैग ने बहुत अच्छा उतारी। और अगर रेटिंग की बात करूं तो मैं जो रेटिंग है वो 8 देना चाहूंगा। जो स्क्वाड सिलेक्शन था, प्लेइंग 11 सिलेक्शन था टेन हैग का। तो चलिए बहुत ही अच्छा ओपिनियन था दोनों आप दोनों से। तो चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रथम रो पूरा मैच में बार्सिलोना कैसा खेली, आपको क्या लगता है? पूरा डिटेल्स में सब कुछ बताइए। पूरे मैच में बार्सिलोना ने अगर अटैक खाया है तो अटैक किया है बार्सिलोना। कल देखा मैंने बार्सिलोना को, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक कर रहा है तो री अटैक में बार्सिलोना जवाब दे रही है। ऐसा नहीं कि वो बैकफुट में है। पूरे मैच में कल गावी बहुत अच्छा खेला। गावी ओवरऑल पूरा डिफेंस मिड अटैक में जा रहा था, जिससे को एक फायदा हो रहा था, वान-बिसाका गावी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और जॉर्डी आल्बा को वहां पे फ्री स्पेस मिल रहा था। तो गावी का ये प्लस पॉइंट था। पेड्रिकल इंजियर्ड हो गया, वो बहुत बड़ा झटका है हम लोगों के लिए।
रफीनिया, रफीनिया बहुत कल अच्छा खेला, कल मतलब जो उसका गोलिंग स्कोरिंग का जो एक ड्रॉट चल रहा था कल, वो देखा कल रफीनिया बहुत अच्छा खेला, एक असिस्ट किया, एक गोल भी किया और एक गोल का मौका भी मिल गया था, लेकिन दया ने सेव कर दिया वो वाला गोल। ठीक है, लेवेंडोस्की कल थोड़ा ऑफ मार्क थे मेरे ख्याल से, लेवेंडोस्की जो वन ऑन वन सिचुएशन था उसमें अगर वो गोल कर देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मिस कर दिए। और वैसे तो कुंडे, अराउहो सब अच्छा खेले, वैसे भी टर स्टेगन तो एकदम बोले तो स्पाइडरमैन की तरह खेला टर स्टेगन। फ्रेंकी डियोंग, हम लोगों का डिंग डोंग है, जो हम लोगों बोलते हैं डिंग डोंग, वो बहुत अच्छा खेला फ्रेंकी डियोंग। तो बार्सिलोना ओवरऑल बहुत अच्छा खेला, लेकिन कुछ कुछ जगह बार्सिलोना का छूट हुआ और वही वही जगह पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हम लोगों को धर लिया एकदम पूरा। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट मैच में ऐसा नहीं होगा। जावी तो बहुत अच्छे कोच है, हम लोगों को देखा ही है, स्पेन के लीग में बहुत अच्छा खेल रही है। तो चलिए अब मैं रेड डेविल की तरफ बढ़ते हैं। तो रेड डेविल, आप बताइए मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस कैसा था पूरा मैच में? परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो ये मैच जिस हाइप के साथ स्टार्ट हुआ था, गजब इंटेंसिटी के साथ ये मैच स्टार्ट हुआ था। पहले अगर कुछ मिनट की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले ही 2-3 मिनट्स में, या कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, मैनचेस्टर ने बता दिया था कि हम लोग यहाँ पे मतलब बस सिट बैक नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे खेलने आए हैं और बार्सिलोना जो कि इंटेंस फुटबॉल खेलती आ रही है उनको मैच करेंगे, वह दिखा दिया। लेकिन जैसे जैसे फिर मैच आगे बढ़ा तो बार्सिलोना को, हम सबको पता है कि कितनी एफिशिएंट टीम है बार्सिलोना, पोजेशन कितना रख के खेलती है, कितना इंटेंसिटी के साथ खेलती है, वही किया। फिर 20 से 25 मिनट फर्स्ट हाफ का बार्सिलोना ने डोमिनेट किया और कुछ अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए, और फिर यूनाइटेड ने गेम को समझा, गेम को रीड किया और गेम में धीरे धीरे जैसे यूनाइटेड सेटल डाउन हुई, यूनाइटेड ने भी बहुत अच्छे अच्छे चांस क्रिएट किए। आपको याद होगा वेगोर्स्ट को एक वन ऑन वन चांस मिला था हाँ जो उन्होंने मतलब टेस्ट टर स्टेगन के हाथ में मार दिया, या कह सकते हैं टर स्टेगन का एक ब्यूटीफुल सेव आया लेफ्ट हैंड से। और फिर अगर और एक जो चांस याद आता है वो था मार्कस रैशफोर्ड का, एक स्कफिंग शॉट था, कर्लिंग इफेक्ट वो मारना चाह रहे थे, लेकिन फिर से टर स्टेगन नाम का दीवार सामने आ गया है। जब से उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है तब से अलग ही फॉर्म में है वो बंदा। तो फर्स्ट हाफ तो खत्म हुआ और जैसे सेकेंड हाफ स्टार्ट होते होते मार्कस अलोंसो ने जो जिसको बार्सिलोना फैन क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसको क्यों खिला दिया, उसका एक गोल आ गया, बहुत अच्छा हेडर से बार्सिलोना को लीड दिला दिया। और जैसे ही लीड मिला बार्सिलोना को, लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि सेकेंड हाफ में सो रही थी वो जाग गई। और भाई रैशफोर्ड तो अलग ही फॉर्म में चल रहा है, आई थिंक इस मोमेंट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर यूरोप में इस मोमेंट, अगर मैं सिर्फ इस मोमेंट की बात करूं, वो बंदा वर्ल्ड कप के बाद अगर हम लोग टॉप 5 लीग की बात करें तो ही इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर आफ्टर वर्ल्ड कप। ठीक है, तो वो बंदा अलग ही फॉर्म में है, अपने करियर के पीक में है, शानदार फिनिश किया, और टर स्टेगन जैसे गोलकीपर को फर्स्ट पोस्ट पे बीट करना, इसके लिए भाई गुदा चाहिए इसके लिए, और जो रैशफोर्ड ने दिखाया। और वही अगर सेकेंड गोल की बात करें तो वही फिर से रैशफोर्ड का हमें ब्यूटीफुल प्ले देखा, रफीनिया को मतलब भौचक्का कर दिया और फिर एक ओन गोल आ गया। आई थिंक अगर ओवरऑल मैच की बात करूं तो यूनाइटेड, मैं एज ए यूनाइटेड फैन इस मैच के पहले थोड़ा सा नर्वस था, मुझे लग रहा था कि शायद यूनाइटेड कैसा खेलेगी बार्सिलोना में, कैंप नो में जाके उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी या फिर काउंटर पे हिट करेगी, लेकिन जब मैच मैंने देखा तो ये पता चला कि नहीं, ये टेनहैक की यूनाइटेड है, ये घर में घुसना भी जानती है और घुस के मारना भी जानती है, ये नई यूनाइटेड है। तो देख के बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई टीम। और असली बात सच बात बोलूं तो इस टीम से मेरे को सर एलेक्स की वाइब आ रही है, लेकिन जो मैच बार्सिलोना और यूनाइटेड ने सारे फुटबॉल फैंस को गिफ्ट दिया है, आई थिंक यूसीएल से भी बहुत अच्छे मैचेस बिल्कुल देखने को मिला हमें। तो क्रेडिट गोज टू बोथ द टीम, थैंक यू बार्सिलोना एंड थैंक यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। नो डाउट, नो डाउट, काफी शानदार ओपिनियन था। तो प्रथम रो मेरा और एक सवाल है, आप क्या स्कोर लाइन से खुश है एज अ बार्सिलोना फैन? एज ए बार्सिलोना फैन खुश तो देखिए, मैं बार्सिलोना फैन हूँ, मैं चाहूंगा बार्सिलोना हमेशा आगे रहे। खुश तो हाँ 50-50 खुश हो, बार्सिलोना कमबैक करे करके आई, 2-1 से हार रही थी बार्सिलोना कैंप नो में, लेकिन 2-2 कर लिया मैच में।
लेकिन एक मोमेंट आया था लेवेंडोस्की को, फ्रेंकी ने लेवेंडोस्की को एक 1v1 बॉल दे दिया था गोलकीपर के साथ, लेकिन रफाएल वारान आके वो बॉल जो क्लियर करके दे, वो वाला तो मेरे को शायद से गोल लगा था, लेकिन गोल हो जाना चाहिए था। एक एक स्कोरिंग ऑप्शन जॉर्डी अल्बा को मिला था जिसको वान बिसाका ने आके क्लियर कर लिया। मुझे मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि बार्सिलोना को कल का मैच जीतना चाहिए था जिससे कि ओल्ड ट्रैफर्ड में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता। देखिए, किसी के घर में घुस के मारने का गुदा सबके अंदर नहीं होता है। ओल्ड ट्रैफर्ड नहीं, सभी इंग्लिश क्लब जो यूसीएल में है वो उन सबके घर में घुस के मारना बहुत ही टफ है। एक देखिए एनफील्ड या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड या फिर एतिहाड, वहां पे जाके मारना बहुत दम लगता है। देखते हैं जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन मारना थोड़ा टफ होगा लेकिन अच्छा होगा। तो रेड डेविल ब्रो, मेरा भी ये सेम सवाल आपको भी है, आप क्या इस स्कोर लाइन से सहमत है एज अ मैन यूनाइटेड फैन? सच बात बोलूं तो नहीं, मैं मतलब खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि यूनाइटेड को ये मैच कल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये मैच जीतना चाहिए था। सेकंड गोल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कंसीड किया, आई थिंक उसको वो अवॉइड कर सकते थे। हम लोगों ने देखा कि वही बिल्डअप फ्रॉम द बैक करना चाह रही थी और एक बहुत ही गंदा पास खेला वहां पे, जिस कारण रफीनिया को मतलब मिला चांस। हाँ, वो बॉल बहुत ही शानदार बॉल था, मतलब वो एक ऐसा क्रॉस उन्होंने खेला था जिसमें गोलकीपर भी आगे आके उस बॉल को क्लेम नहीं कर सकते और डिफेंडर भी उस बॉल को, मतलब बहुत इतना बॉल का क्वालिटी इतना शानदार था रफीनिया का। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर थोड़ी एफिशिएंट होती तो वो गोल अवॉइड किया जा सकता था। तो ऐसे यूनाइटेड फैन मैं खुश तो नहीं हूँ स्कोर लाइन से। मुझे लगता है कि यूनाइटेड जिस तरह कल खेली शायद जीतना चाहिए था यूनाइटेड को, बट ठीक है। कैंप नाउ में जाके, जो कि हम सबको पता है बार्सिलोना टॉप 5 यूरोपियन लीग की सबसे बेस्ट डिफेंडिंग साइड है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी ओल्ड ट्रैफर्ड में बारी आएगी तो तब देखा जाता है क्या होता है। चलिए, बहुत ही शानदार ओपिनियन था। और इस मैच के बीच बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन दिए गए, जो कि आपका था जूल्स कुंडे और रैशफोर्ड के बीच, और एक था फ्रेड का हैंडबॉल को लेके, और भी बहुत सारे डिसीजन शायद गलत हुए हैं इस पूरे मैच में। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगा, तो पहले रेड डेविल ब्रो, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, मतलब आपको क्या लगा, कहाँ कहाँ गलती हुआ, या फिर आपको क्या लगता है सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में, सारे रेफरी के डिसीजन में कौन कौन सा गलत था, या फिर आप कुछ बताएं? देखो, मुझे लगता है कि कल जो रेफरिंग डिसीजन था वो बहुत ही खराब था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मोमेंट थे जहां पे दोनों टीम को फायदा मिल सकता था, एडवांटेज मिल सकता था, लेकिन वो पुअर डिसीजन के कारण ऐसा नहीं हो पाया। याद आता है वही जो मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर जो कुंडे का टैकल आ रहा था, कि वो क्योंकि कुंडे पहले से येलो कार्ड पे थे और वो क्लियर एक कार्ड था। हाँ, वो पेनल्टी नहीं था ये मैं मानता हूँ, बिकॉज बॉक्स के बाहर था, लेकिन वो क्लियर येलो कार्ड ऑफेंस था क्योंकि 1-on-1 थे, उसके बाद बस गोलकीपर ही थे, तो वो एक क्लियर फाउल था। और आई थिंक अगर वो येलो कार्ड मिलता तो बार्सिलोना एक मैन कम हो जाती, 10 मैन से खेलती, तो शायद यूनाइटेड को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता। और वही अगर फ्रेड की हैंडबॉल की बात करें तो शायद मुझे लगता है कि वो एक हैंडबॉल था और पेनल्टी देना चाहिए था रेफरी को, लेकिन ऐसा ही गेम रहा। दोनों टीम मतलब रेफरिंग डिसीजन बहुत ही खराब गया। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि इस डिसीजन से कोई भी टीम को ना ही नुकसान हुआ है और ना ही कोई ना कोई बड़ा फायदा। एडवांटेज हुआ है, तो सारा कुछ इवन स्टीवन हो गया। काफी शानदार ओपिनियन था। तो मैं ये सेम सवाल प्रथम ब्रो आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कौन कौन सा डिसीजन आपको सही नहीं लगा, या फिर सही था डिसीजन, आपको क्या लगता है एज अ बार्सिलोना फैन? देखिए, एज ए फुटबॉल, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ, फुटबॉल इज ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज के नो सिवा डाउट, फुटबॉल में कुछ नहीं है। हाँ, नो मानता डाउट। हूँ फ्रेड का हैंडबॉल हुआ था, रेफरी को एक बार जाके, अब तो वीएआर का सिस्टम उपलब्ध है तो वीएआर का यूज करना चाहिए था मेरे ख्याल से रेफरी को, तो फ्रेड का हैंडबॉल भी देख लेता और रैशफोर्ड के ऊपर टैकल भी देख लेता, तो क्या जाता, कुछ नहीं जाता। लेकिन क्या हुआ, दो कंट्रोवर्सी तैयार हो गए मैच के अंदर और बस फैन लोगों के बीच झगड़ा शुरू। देखो, हम लोगों को पेनल्टी नहीं मिला, उन लोगों को फाउल नहीं मिला, यही बात। एक बार अगर वीआर चेक कर लेता तो ये कंट्रोवर्सी ही नहीं रहता, लेकिन वही बात।
बीच में टेन हैक को येलो कार्ड मिल गया बेचारे को। हाँ बीच में टेना को बोला चुप करने के लिए, नहीं तो टेना को रेड कार्ड भी मिल सकता था। चलिए, काफी शानदार ओपिनियन था। चलिए अब सेकंड लेग के ऊपर हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। तो प्रथम रो आपसे ही पहले स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या लगता है, बार्सिलोना कमबैक कर पाएगी, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत पाएगी? आपको क्या लगता है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बार्सिलोना से सेकंड लेग में? पहली बात, बार्सिलोना बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में जीतना थोड़ा सा मेरे मेरे अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल ही है। ओल्ड ट्रैफर्ड में जीतना बहुत ही मुश्किल है, तो फुटबॉल का गेम ही है मुश्किल से भरा, तो बार्सिलोना देखती है क्या करती है। और बार्सिलोना नेक्स्ट मैच में शायद कुछ कुछ प्लेयर इंजियर्ड है, सबको पता है पेड्री इंजियर्ड है, पेड्री तो 3-4 हफ्ते के लिए इंजियर्ड हो गया। डेम्बेले इस मैच से पहले हफ्ते इंजियर्ड हो गया था, सुना है कि गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि डेम्बेले ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उतर सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ नेक्स्ट मैच में उतर सकता है। और बुस्केट्स का भी तो बुस्केट्स का भी इंजियर्ड ठीक हो गया है, वो प्रैक्टिस कर रहा है टीम के साथ। और गावी तो येलो कार्ड पे है, वो नहीं खेल सकता, और पूरा टीम जो था वही तो खेलेगा। बाकी थोड़ा मिडफील्ड में हम लोगों का प्रॉब्लम होगा, 2-3 मैजिशियन हम लोगों का कम हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी। तो चलिए अब रेड डेविल की तरफ बढ़ते हैं। तो रेड डेविल ब्रो, आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या परफॉर्मेंस रह सकता है सेकेंड लेग में, आप कुछ बताएं। देखो सेकंड लेग की अगर बात करें तो होम में मैच है, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, और अगर इस सीजन को देखें तो ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड बस लीग की अगर बात करें तो एक ही मैच हारी है, वो था ब्राइटन के अगेंस्ट, सबसे पहला गेम था। और वही अगर यूरोपा लीग की बात करें तो एक मैच रियल सोसिडेड के साथ जो पहला मैच था वो हारी थी। ये दो छोड़ के यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में एक भी मैच हारी नहीं है इस सीजन में, तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम सबको पता है कि रिकॉर्ड होते हैं टूटने के लिए, तो कुछ मैच में तो कुछ भी हो सकता है। मैच में 50-50 है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। लेकिन अगर थोड़ी बूस्ट की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए थोड़ी बूस्ट की बात यह है कि कुछ प्लेयर जो इंजरी या सस्पेंशन के कहर बाहर थे वो सेकेंड लेग में अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे हमारे मैंटनी मार्शियल, फिर एंटनी सैंटोस, फिर मार्सेल सैबित्सर, लिसांद्रो मार्टिनेस। तो ये एक बूस्ट रहेगा टीम के लिए कहीं ना कहीं। हाँ, जैसे मेरे फ्रेंड प्रथम ने कहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा, लेकिन हाँ ये भी मैं भी मानता हूँ थोड़ा तो डिफिकल्ट रहेगा ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड को हराना, लेकिन फुटबॉल अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टिनिटी से भरा हुआ है। हमें दूसरे टीम को रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये बार्सिलोना टीम है, ये कोई जूनियर टीम या चैंपियनशिप की टीम नहीं है कि हाँ आप आराम से हरा दोगे। बार्सिलोना को हराने के लिए हमें जो फर्स्ट लेग में हम लोगों ने जैसा परफॉर्मेंस दिया है वैसा ही इंटेंसिटी हमें मैच करना पड़ेगा, बार्सिलोना की ब्रिलियंस फुटबॉल को हमें मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखो अगर टाई शुरू होने से पहले ये जो टाई था ये बार्सिलोना की तरफ झुका हुआ था, और कुछ अभी पंडित ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं अभी ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है तो यूनाइटेड की तरफ झुका हुआ है ये मैच, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ एज ए यूनाइटेड सपोर्टर, क्योंकि बार्सिलोना ने हर बार हमें यूरोपियन मैच में मुक्का मार के नॉकआउट किया है, ये मैं नहीं भूल सकता। दो चैंपियंस लीग फाइनल हम लोग हारे, 2018 में यूसीएल बार्सिलोना ने हमें नॉकआउट किया था। तो हाँ बार्सिलोना इज नॉट ए इजी टीम। हाँ कह सकते हैं कि उस समय मेसी था, इस समय मेसी नहीं है, लेकिन फिर भी बार्सिलोना को हराना टफ होगा, बहुत ही टफ होगा। लेकिन मैं कि यूनाइटेड सपोर्टर हूँ तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा यूनाइटेड जीते, लेकिन कुछ भी हो मैं बस एंड एंड में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि चाहे यूनाइटेड क्वालिफाई करे या ना करे मैच शानदार होगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आई लव माई मैनेजर, माई बॉल्ड बास्टर्ड एरिक टेन हैग, बस और कुछ नहीं। एक मिनट, खत्म करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा या करके दिखाना चाहूंगा। ये वाला लीजिए फिर। चलो कहिए, अब खत्म कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा वीडियो रहा, और होप गाइस आपको अच्छा लगा ये आज का वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सेकेंड लेग में क्या स्कोर लाइन रह सकता है या कौन जीत सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।